हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडेज़ वीडियो हम बड़ा क्विक मेकअप लुक करने लगे हैं जिसमें ज्यादा हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने लगे हैं बड़ा ही क्विक सा लाइट पिंकी डेली मेकअप लुक जिसमें ज्यादातर फिंगर मेकअप होगा और इसे आप क्विकली 10 मिनट्स में कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई डू इन माय रूटीन जब मैं थोड़ा सा नॉर्मल नो मेकअप लुक से ज्यादा करना चाहूँ। सो दिस इज व्हाट आई डू। सबसे पहले तो बी डॉट की फ्लॉलेस मैट फाउंडेशन लगाने लगी हूँ। ये मैंने ड्रग स्टोर से ख़रीदी थी लंदन जब मैं गई थी। आई डोंट नो ये यहाँ मिलती है कि नहीं, शायद एनएम पे मिलती हो या अल्फ़ता के कॉस्मेटिक सेक्शन से भी आपको मिल जाए। ये इसका C3 कलर है जो थोड़ी डार्कर टोन है, जिसे मैं अपने अंडर आईज और जहाँ जहाँ मैं एक्चुअली कलरेशन का इश्यू है, डिसकलरेशन है, डार्कर है, वहाँ पर लगा रही हूँ। वैसे आमतौर पर तो मैं यहाँ पर क्रियोलाइन की डार्कर स्टिक लगाती हूँ, फिर कंसीलर लगाती हूँ, बट बिकॉज इट्स अ वेरी क्विक मेकअप तो इतना टाइम नहीं होता डेली कि मैं बहुत ज़्यादा लेयरिंग करूँ। सो दिस इज़ अ वेरी गुड कलर। इससे जो मेरा डार्कर एरिया है वो बहुत अच्छा कवर हो जाता है। सो दी उसके बाद इसी की बी डॉट की फ्लॉलेस मैट फाउंडेशन की मैं C1 शेड में अपने पूरे फेस पे एज फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। और इसको मैं फिंगर से ही अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। वैसे तो ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करके और बिल्कुल निचोड़ के पूरे फेस पे ब्लेंड करें तो बहुत अच्छी एक लुक आती है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई सूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा सा फ्लू हो रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, आई वॉन्टेड टू पोस्ट इट, सो इसलिए इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब मैं इसको अपनी फिंगर से ही अच्छी तरह पूरे फेस पर ब्लेंड कर लूँगी। जो मैंने अंडर आए हैं वहाँ पर ज़रा कम प्रेशर दूंगी ताकि जो पिछली वाली लेयर है वो ना उतर जाए, और बाकी जगहों पे मैं सही प्रेशर के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। डेली रूटीन में मुझे लगता है फिंगर मेकअप सबसे आसान होता है और आपको सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और आप रेडी हो जाते हैं। यू लुक ऑल रेडी फॉर द डे एंड दिस इज़ द गुड लुक आई एम टॉकिंग अबाउट। इट्स नॉट द नो मेकअप लुक, इट्स लाइक अ प्रॉपर तैयार हो रहे हैं। अब मैं आर्ट डेको का फिक्सिंग पाउडर इस्तेमाल करने लगी हूँ और ये देखिए मैंने थोड़ा सा निकाला है और उसको मैं पहले इस स्पॉन्ज के साथ जो उसके साथ मिलता है डैब डैब करके अपने पूरे चेहरे पर लगा लूँगी। और ये मैं डैप कर रही हूँ, यानी अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ इसको अपने फेस के ऊपर ताकि जो फाउंडेशन है वो वहीं पर फिक्स हो जाए। और जब ये अच्छी तरह से मेरा पूरे फेस पर नेक पर डैप हो जाएगा तो मैं ये बॉबी ब्राउन का बिग ब्रश ले रही हूँ और इसे बस एक दफ़ा पूरे चेहरे पे मार रही हूँ ताकि अगर कहीं पर एक्स्ट्रा पाउडर है तो वो उतर जाए। इसके बाद मैं मेकअप स्टूडियो की ये कॉन्टोर किट यूज़ करने लगी हूँ। मेरा मैक का ब्रश है, कॉन्टोर ब्रश है, इसे लेकर मैं डार्कर टोन से जल्दी जल्दी इन फ्यू सेकंड्स अपनी चीक बोन को और अपने जॉ लाइन को कॉन्टोर कर रही हूँ और इसी से मैं अपने फोरहेड पे भी एक शेप कर लूँगी ताकि बालों और स्किन के दरमियान में ब्लेंडिंग हो जाए, वरना वो काफ़ी फेक सी लुक आती है। और इसी ब्रश को पतला करके मैं अपनी नोज़ की भी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। मैं स्पेशल कॉन्टोर ब्रश इसलिए इस्तेमाल नहीं करी क्योंकि मैं हार्श लुक नहीं चाहती। अब मैं मैक्सी ब्लश इस्तेमाल कर रही हूँ रेवलॉन का और इसे मैं अपने चीक्स पर एप्पल ऑफ द चीक्स से जो बिल्कुल आपका फ्रंट सेक्शन होता है उस पे से शुरू करते हुए कोने में पीछे की तरफ लेकर जा रही हूँ। अच्छा जी, ब्लश करने के बाद अब मैं अपनी आईब्रोज करने लगी हूँ। दिस इज़ दी आईब्रो कंटूर किट, इसमें से डार्कर शेड लेकर मैं अपनी आईब्रोज बनाऊंगी। आईब्रोज बनाने के लिए हमेशा मैं एक छोटा सा ब्रश है वो इस्तेमाल करती हूँ। वैसे तो बहुत सारे ब्रश हैं लेकिन इससे अच्छा ब्रश अभी तक कोई नहीं निकला। ये मुझे NYX की किट में से निकला था और वो किट तो ख़त्म हो गई लेकिन ये ब्रश मैंने रख लिया था। ये एक तो बहुत हैंडी है, दूसरा इसके जो हेयर हैं ब्रश हेयर वो इतने फर्म हैं, यानी सख्त हैं कि वो अच्छे तरीके से पूरी लाइन कर देते हैं। अगर मैं कोई सॉफ्ट ब्रश यूज़ करती हूँ ना तो मेरी ब्रोज में वो इतना अच्छा फिल नहीं करता। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि आपके पास जो भी इस तरह के एंगुलर शेप में हो और थोड़ा सा हार्ड ब्रश हो वो इस्तेमाल करें क्योंकि उससे ब्रोज बहुत अच्छी और जल्दी से बन जाती हैं। यू डोंट हैव टू फिल देम ओवर एंड ओवर अगेन, आप एक एक दफ़ा लगाएंगे जैसे आप देख रहे हैं तो ये बन जाएगी। एक और चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि जो आपका स्टार्ट है बिल्कुल आईब्रो जहाँ से शुरू होती है उधर आपने लाइट शेड लगाना है और उसको ब्लेंड इस तरह से करना है कि नेचुरल लगे।
पीछे की तरफ आप डार्क कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट को कभी डार्क मत कीजिएगा, वरना बहुत शार्प लुक आती है और फेक लुक आती है, उससे नेचुरल फिलिंग की लुक नहीं आती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फ्रंट लाइटर हो और ग्रेडियंट होते होते बैक तक डार्क हो जाए। अब मैं इसी तरह से अपनी दूसरी ब्रो भी फिल कर लूँगी। मुझे लगता है कि मेकअप में डेली अगर सिर्फ ब्रोज सही से फिल हुई हों तो बहुत एक कंप्लीट लुक आती है। बहुत सारे लोगों की ब्रोज काफ़ी थिक होती हैं और डार्क कलर की होती हैं, तो उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, दे आर ब्लेस्ड। लेकिन मेरी ब्रोज लाइट कलर की हैं, दे आर ब्राउन इन शेड, तो मुझे उनको थोड़ा सा डार्कर ब्राउन से फिल करना पड़ता है टू गिव देम सम फॉर्म। यानी ये जो मेरी ओरिजिनल शेप है, ये मैं अपने बालों के ऊपर ही कर रही हूँ, उसके अलावा नहीं बना रही, लेकिन बालों का कलर इतना लाइट है कि मुझे उसको फिल करना पड़ रहा है। बातें करते करते मैं ये भूल गई कि मैं आपको बताऊं कि मैं कोलोसल काजल की स्टिक मेबिलिन न्यूयॉर्क की लगा रही हूँ, और उससे मैंने अपना आईलाइनर लगा लिया है, और अब मेबिलिन का ही पुशअप एंजल मस्कारा इस्तेमाल करते हुए मैं जल्दी से अपनी दोनों लैशेस पे मस्कारा लगा लूँगी। मस्कारे की एक बड़ी आसान सी टिप है, अगर आप हैवी देना चाहते हैं तो मैंने कई दफ़ा ट्राई किया है कि 25-30 टाइम्स आप उसको अपनी लैश पर लगा लें। अब मैं रिवाज यूके की न्यूड पिंक लिपस्टिक लेकर अपने लिप्स पे रफली तेज़ी तेज़ी लगा लूँगी। मैं कभी भी एक शेड नहीं लगाती हूँ, हमेशा 2-3 शेड्स को मिक्स करती हूँ, तो बहुत अच्छा कलर आता है। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी न्यूड पिंक सा शेड है। इसके ऊपर अब मैं डायना ऑफ लंदन का पिंक शेड लगाने लगी हूँ, जिसका कलर का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और इसके बाद जे डॉट का ये न्यूड नोट कलर है, जिसको मैं सबसे ऊपर से लगा रही हूँ, थोड़ा सा पिंक को ब्रॉन्ज की तरफ लाने के लिए। सो दिस इज़ माय ओन बेबी न्यूड विच आई क्रिएट, और इसमें मैं थोड़ा सा पिंक्स और ब्राउन्स को मिक्स कर रही हूँ, और अब आप देख सकते हैं कि बड़ा प्यारा सा पिंक शेड लिपस्टिक का बन गया है। एंड आई एम रेडी। आई होप आपको ये लुक पसंद आई हो, अगर आई है तो बाकी सारी लुक्स भी देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकॉन ताकि और बहुत सारी वीडियोस जो आने वाली हैं उनको आप देख सकें। टेक केयर, खुदा हाफिज़।